करम मांगती अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स आप लोगों की? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। कज़ाए हाजात के लिए मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ मुजारिब अमल फरमाते हैं, एक रोज़ मैं अपनी अहलिया के साथ देवबंद के सफ़र पर था। वहाँ पहुँच कर मेरी अहलिया ने हज़रत शेख हुसैन मदनी अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया मोहतरमा से कुछ नसीहत की फरमाइश की। हज़रत शेख की अहलिया मोहतरमा ने बतलाया कि दो रकात सलातुन हजात की नियत से पढ़िए, जिसकी पहली रकात में सूरह अल-फातिहा के बाद 50 मरतबा सूरह अल-इख़लास और दूसरी रकात में सूरह अल-फातिहा के बाद 50 मरतबा सूरह अल-इख़लास पढ़िए। फिर अल्लाह ताला से अपनी हाजत का सवाल कीजिए। हज़रत मदनी मुश्किलात के वक्त ये अमल लोगों को बतलाया करते थे और ख़ुद भी अमल करते थे। नोट फरमा लीजिए, मज़कूरा मुजरिब अमल अगरचे अहदीस में मौजूद नहीं मगर अल्लाह वाले का बताया हुआ अमल है और कई लोगों का मुजरिब अमल है। इसलिए अगर आप भी किसी सख्त से सख्त मसले में उलझे हुए हैं तो अल्लाह ताला से इस अमल की बरकत से अपना मसला ज़रूर बयान कीजिए, यानी ये अमल करके आप अल्लाह ताला से अपना मसला बयान करें और अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह ताला आपका मसला ज़रूर हल कर देगा। तो व्यूअर्स, इस अमल से और इस बात से ये साबित होता है कि ये अमल किसी अल्लाह वाले का बताया हुआ है। तो अगर आप भी इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और इंशाल्लाह ताला एक नए वजीफ़े में एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ीमानिल्लाह।